हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फुगरा बॉयज। तो हम आ चुके हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ दोस्तों, और इस बार हमें कहाँ का ब्लॉग होने वाला है ये? तो हम आ चुके हैं उज्जैन शहर में, और माना जाता है कि उज्जैन शहर मंदिरों का शहर है, तो जितना हो सके हमने मंदिर कवर करे हैं, मेन मंदिर कवर करे हैं। तो हम आपको इस वीडियो में उन मंदिरों की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को एंड तक देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए अभी। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, तो एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपको हिस्ट्री के बारे में पता चले उज्जैन की। ठीक है, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कोई नया वीडियो हमसे चाहते हैं, किसी जगह का ब्लॉग चाहते हैं तो हमें सजेस्ट करें, तो हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अभी सबसे पहले चलेंगे अपन शांतिपुर आश्रम, श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी और बलराम जी की शिक्षा स्थल। उस मंदिर में देखने लायक सिर्फ एक ही चीज़ है जो अद्भुतता का केंद्र बनी है। जैसे अपन आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर अपने को एक शिव मंदिर देखने को मिलता है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, जिसके सामने के नंदी महाराज आकर्षित करते हैं। वहाँ के नंदी महाराज अपने को खड़े देखने को मिलते हैं। अक्सर अपन जितने भी शिव मंदिर पर जाते हैं अपने को सारे नंदी महाराज चलते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ के खड़े का कारण ये है कि हरि से हर के मिलन का साक्षी कहलाते हैं। जैसे अपने हिंदू संप्रदाय में माना जाता है ना कि 6 महीने सूचि का बार हरि मतलब विष्णु भगवान नारायण, 6 महीने सूचि का बार हर मतलब महादेव पर हो रहा है, दुनिया में भूतों का राज चल रहा है, महादेव के कंधों पर है पूरा सूचि का बार, हरि से हर के मिलन का साक्षी कहलाता होगा। उसके अलावा एक और शिव मंदिर जैसे श्री श्री सांजीपनी गुरु स्वयं दिल पत्रों से उत्पन्न कराता है। वो शिवलिंग के बारे में ऐसा कहते हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति को काल सर्प दोष हो या पितृ दोष हो तो उसे पूजा कराने की जरूरत नहीं है। शिवलिंग के गले में एक सांप है, उसको स्पर्श करने मात्र से आपका काल सर्प दोष और पितृ दोष समाप्त होता है। उसके अलावा वहाँ पर आपको महाप्रभु जी की बैठक देखने को मिलेगी। 64 कलाओं से परिपूर्ण श्री कृष्ण भगवान ने उज्जैन के इसी महर्षि श्री सांजीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त करी। फिर चलते अपन मंगलनाथ मंदिर, संपूर्ण विश्व का एक ही मंदिर है हमारे उज्जैन शहर में, मंगल ग्रह का जन्म, वो भी बहुत अद्भुत मंदिर है, देखने लायक चीज़ है। फिर सिद्धवट मंदिर होता है जो चमत्कार के नाम पर देखा जाता है, वहाँ पर आपको 864,000 साल पुराना वटवृक्ष देखने को मिलता है, अभी भी है, जो माता पार्वती ने अपने हाथों से लगाया आज तक और हरा भरा है। फिर काल भैरव मंदिर, दारू वाले बाबा दारू पिलाते हैं, महाकाल महाराज के द्वारपाल सेनापति कहलाते हैं जिन्हें साक्षात ब्रह्मदेव ने विराजमान कराया दारू पीने के लिए, आप बैठो पियो और अपना गुस्सा शांत रखो, महाकाल महाराज के द्वारपाल सेनापति शांत रखने के लिए उनको। और फिर है लास्ट में गढ़काली का माता मंदिर। कुल मिला के जरा से शहर में 3.5 काल का वास है, जिसमें पहले काल के बराबर महाकाल मंदिर, दूसरे काल के बराबर गढ़काली का माता मंदिर, और 1.5 काल के बराबर एक और मंदिर होता है। ये 5 मंदिर घुमाते हैं, घुमा के वापस यहाँ छोड़ देते हैं। अगर एक मंदिर जाओ कितने किलोमीटर के अंदर है ये होता क्या है, यहाँ से देखो 7.5-8 किलोमीटर जाना होता है, उसके बाद में सारे मंदिर 1 बाय 1 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आते हैं। हम पैसा चार्ज करते हैं सिर्फ टाइम का, हर मंदिर टाइम लग जाएगा 3 घंटे तो मान के चलो, 1 से 1.5 घंटा आपका काल भैरव का बिल्कुल नक्की है, 1-1.5 घंटा अपने को नक्की लग रही है। सांदीपनी आश्रम इतना बड़ा उन्होंने डेवलप कर दिया कि कम से कम 20 से 25 मिनट वहाँ लगना आपको। मंगलनाथ मंदिर आप खुद ही जाओगे तो देखोगे, सिद्धवट मंदिर पे 15-20 मिनट लगते हैं, काल गढ़काल का भी आपको आरती देखने को मिल जाएगी। आप चारों का लेंगे 800 रुपये, बाकी समय की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से दर्शन करना। जब लास्ट में आपको यहाँ ड्रॉप करूँगा तब ही आप पैसे देना। टुन से हम रिक्शा में आ गए। अब देखो हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अभी चल रहे हैं अपन सांदीपनी आश्रम। सांदीपनी आश्रम, अरे भैया आपको हमको लेके जा रहे हैं सांदीपनी आश्रम। गाइड भी अच्छे हैं ये, हमें भैया गाइड भी करेंगे और पूरा घुमा भी देंगे, और जो कि इनके पास यहाँ का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो क्या नाम है आपका? करण माली। करण माली, माली 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 माली, अरे निशा माली। कोशिश करूंगा मैं आपको पूरे 3.5 काल के दर्शन कराऊं मैं यहाँ पर। शहर क्या भैया हमारा बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा ही छोटा है, लेकिन इस इतने से शहर में नौ नारायण जो प्रमुख मंदिर है, नौ नारायण, 7 सागर, 3.5 काल, 84 महादेव, 3 इच्छापूर्ति गणेश मंदिर और अष्ट चिरंजीवी देवों में से एक देव यहाँ विराजमान है। अब आपको तो यही नहीं मालूम होगा अष्ट चिरंजीवी देव क्या होते हैं? नहीं पता। 8 देवतागण ऐसे थे जिन्हें आजीवन अमरता प्राप्त थी, जिनमें सर्वप्रथम हनुमान जी को गिना जाता है। नहीं, हनुमान जी परशुराम जी, घटोत्कच जी, उनकी अभी वो अवशेष मिले थे ना, कहानियों में लिखा हुआ है कि इनको आजीवन अमरता प्राप्त है।
सर्वप्रथम जो रहते हैं हनुमान जी रहते हैं। तो मर नहीं गए यार महाभारत में भैया, लेकिन अमरता प्राप्त किए उनको, जैसे श्री राम प्रभु को मारा था उसको गड़ुद्वत को। बात वो नहीं है, बात ये है जैसे श्री राम जी को भी आजीवन अमरता थी, लेकिन उन्होंने उनकी इच्छा से जल समाधि दी थी, आपको याद हो तो। श्री राम, श्री लक्ष्मण और सीता मैया ने, और उस वक्त राम भगवान ने भगवान हनुमान जी को वरदान किया था कि आपको कलयुग के अंत तक धरती पर रहना है। आज भी उनके अवशेष कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं ना अपने को, कई पेड़ मिलते हैं बड़े बड़े निशान थे पत्थर में, इतनी बड़ी पेड़ की प्रभु चित्र ऐसे थोड़ी ना तरह से लगा आदमी। जो साढ़े तीन काल का मैंने जिक्र करा है ना, उसमें से पहले काल का दर्शन आपने कल किया है, इसे महाकाल कहते हैं। सबसे लास्ट में जिसे गढ़काली का माता कहते हैं, गढ़काली का माता महाकवि कालिदास की इष्ट देवी है वो, और डेढ़ काल के बराबर एक मंदिर है हमारे उज्जैन शहर में, बहुत छोटा सा मंदिर है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है इसलिए तो वो विजिटिंग पॉइंट भी नहीं आ रहा है, और हम कोशिश करते हैं कि रात्रि के साढ़े तीन काल को दर्शन करें। वहाँ पर जो प्रतिमा देखने को मिलती है ना वो बहुत अद्भुत है, आप काफ़ी जगह घूमे होंगे, मंदिरों में गए होंगे, लेकिन आपने कभी ऐसी मूर्ति देखी है जहाँ पर कालिका और भैरव एक दूसरे को कीर्ति कर बैठे हो? अभी अगर किसी पत्थर ने तरह मतलब किसी कलाकार ने तराश की तो बात अलग है, लेकिन उस वक्त के दौर पर वो डेढ़ काल का योग निभाती थी, उन दोनों के पेट के बीच में डेढ़ काल समाया हुआ है। वाला कुंडेश्वर महादेव नाम है इनका, जो 84 महादेव यहाँ पर विराजमान है उसमें 40वें नंबर के ये हैं, 40वें स्वरूप है यहाँ पर। और अभी आप आ जाओ इधर, सिर्फ एक मूर्ति है जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जो हरि से हर के मिलन का साक्ष्य कहलाती है। हरि हर मिलन का साक्ष्य है, ये अपने जो हिंदू संप्रदाय में चलता है, 6 महीने षष्ठी का बार हरि मतलब नारायण, 6 महीने षष्ठी का बार हर मतलब महादेव पर होता, तो उसका साक्ष्य है ये। इसके अलावा अपने को यहाँ पर कुबेर भगवान की मूर्ति देखने को मिलती है, तांत्रिक शिव यहाँ पर विराजमान है, तांत्रिक शिव वो देखिए, वामन देव, नारायण देव लेफ्ट में आपको हर दिखेंगे। बस बढ़िया, महादेव मंदिर जिसे स्वयं महर्षि श्री सांदीपनि गुरु ने बिल पत्रों से उत्पन्न करा था, 6,000 साल समथिंग पुराना बताया जाता है। इनके गले में आपको शेषनाग का दर्शन करने को मिलता है, जो दुनिया में सिर्फ दुर्लभता का केंद्र बना हुआ एक ही है, शेषनाग नहीं मिलते हैं, सर पर रहेंगे लेकिन शेषनाग नहीं रहते हैं, क्योंकि शेषनाग की फन पर पूरी धरती विराजमान है, शेषनाग वासुदेव उनके भाई रहते हैं, हमेशा शेषनाग की सवारी बहुत कम देखने को मिलती है। पहले तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जाने देते थे, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर जलाभिषेक करना हो तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है, चार्ज करता है। हाँ, जो ने अभी बस इसको नवनिर्माण कर दिया है, ऐसे दो हैं, एक यहाँ पर है और एक नारायणी गांव में है। नारायणी गांव के पीछे की भी एक स्टोरी बहुत अलग है, उसका बोर्ड का भी ले लेना, वो बोर्ड है ना भगवान श्री कृष्ण उसका भी ले लेना। तो दो मुट्ठी चने दिए थे, एक मुट्ठी चने का हिस्सा सुदामा जी का था, एक मुट्ठी चने का हिस्सा श्री कृष्ण भगवान का था। जो दर्शन का स्थल है वो दूसरा पॉइंट है, और सबसे मुख्य मंदिर मानता हूँ मंगलनाथ मंदिर है, संपूर्ण विश्व का एक ही मंदिर है ये। जिस प्रकार महाराष्ट्र के शनि सिंगनापुर में शनि ग्रह विराजमान है, उसी प्रकार उज्जैन बाबा महाकाल महाराज की नगरी में मंगल ग्रह का स्वरूप में जन्म हुआ है। इस मंदिर की बहुत सारी विशेषता है, जिसमें सबसे मुख्य ये मानी जाती है कि ये मंदिर बना है पूरे भारत के नाभि सेंटर पर, जैसे आदमी के पेट के बीच में नाभि होती है ना, उसी प्रकार अभी आप पूरे भारत के सेंटर पॉइंट पे खड़े हो। यही वो मंदिर है जिसके नीचे से कर्क रेखा निकली, नाम सुना होगा आपने ट्रैफिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा यहाँ से होते हुए महाकाल मंदिर को जाती है और महाकाल मंदिर से गुजरात सोमनाथ मंदिर को निकलती है। आज तक आप लोग जितने भी शिव मंदिर पर गए हो आपने शिव जी की सवारी क्या देखी है? ऑब्वियसली नंदी महाराज जी देखे होंगे, लेकिन उज्जैन के इस प्राचीन मंदिर में आपको शिव जी की सवारी नंदी महाराज छोड़कर इस प्रकार से भेड़ देखने को मिलती है, भेड़ यानी मेंढा जो राजस्थान में पाया जाता है, और भेड़ की सवारी होने के पीछे कारण यह है कि बाबा मंगलनाथ महाराज मेष और वृषभ राशि के स्वामी कहलाते हैं। इनके जन्म के पीछे का इतिहास ये है कि हमारे हिंदू संप्रदाय में बहुत सारे ग्रंथ चलते हैं,
भागवत जी, रामायण जी, स्कंद पुराण, विशेषकर स्कंद पुराण का भी बहुत महत्व है। तो स्कंद पुराण के उल्लेख के अनुसार बाबा भोलेनाथ जी के मस्तक के पसीने का एक गुण जब धरती पर इस जगह गिरा तो धरती के गर्भ से मंगल भगवान की उत्पत्ति हुई है। मंगल भगवान को भूमिपुत्र भी कहते हैं और शिवपुत्र भी कहते हैं। इस मंदिर में आपको भुवनेश्वरी माता का मंदिर देखने को मिलेगा जो पूरे धरती पर एक ही है। भुवनेश्वरी माता मतलब पृथ्वी माता, और वो इसलिए है क्योंकि मंगल भगवान का जन्म स्थल है, मंगल ग्रह की जन्म स्थली है ये। मंगल भगवान भूमिपुत्र कहलाते हैं। जिस प्रकार से अपन शनि भगवान को काला कपड़ा, तेल, तिल, लोहा दान करते हैं, उस प्रकार यहाँ भगवान को लाल चीजों का दान करते हैं। भैया लाल चीजों में मुख्य रूप से लाल कपड़ा, गेहूं, गुड़, लाल मसूर की दाल, मूंगा रत्न, लाल पुष्प, श्रीफल। मन में अपने नाम और अपने गोत्र का उच्चारण करके मंगलनाथ भगवान को अपने मन की मनोकामना बोलकर अर्पित किया जाता है। नाम का उच्चारण इसलिए करते हैं क्योंकि अपन स्वयं पधारे हैं, और गोत्र का उच्चारण इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे हिंदू संप्रदाय में सब पीढ़ी बाई पीढ़ी गोत्र बाई गोत्र चलता है। जो लोग नहीं आते हैं उनका भी दान लग जाता है। जो चीज़ यहाँ से देते हैं उसका बड़ा विशेष महत्व है। चीज़ें मार्केट में भी मिल जाना, लेकिन स्थान का महत्व। एक होता है भोज यंत्र, इस पर 13 प्रकार के यंत्र छपे होते हैं। इस यंत्र को आपके घर परिवार के पूजा स्थल पर या व्यवसाय के पूजा स्थल पर रख कर पूजा करने से अपने घर परिवार पर 9 ग्रहों की बाधाएं दूर होती है। एक होती है कच्चे चंदन की माला, जो यहाँ से सिद्ध करके आपको रिटर्न देते हैं। ये माला आपके घर परिवार को उस व्यक्ति को धारण कराइएगा जिसको रक्त से संबंधित कोई पीड़ा हो, जैसे लाइक ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, क्योंकि हमारे शरीर में जो रक्त का संचार होता है आपको मालूम नहीं होगा, महामंगलनाथ भगवान के द्वारा होता है। शरीर का संचार वहाँ से होता है, रक्त का संचार, इसलिए यहाँ से सिद्ध करके देते हैं। फोटो निशानी के तौर पर कलावा हाथ में बांधने के लिए। इस प्रकार से आपको हर दुकान पर एक सूचना का बोर्ड मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है ये संपूर्ण परिवार का दान है। संपूर्ण परिवार के दान का अर्थ ये होता है कि जो लोग अभी नहीं पधार पाए, एक ही गोत्र से बिलोंग करने वाले, उनका भी दान लग जाता है। 151 रुपये का आता है ये संपूर्ण परिवार का दान। आप अगर पाँचों का गोत्र एक ही हो तो ज़रूरी नहीं अपने को अलग अलग लेना है, एक ही ले लो। वहाँ पर इस प्रकार से शिवलिंग के सामने आपको बिठाएंगे गर्भगृह में और पूजा कराएंगे। उस चीज़ का कोई पैसा नहीं लगना है। मन गवा करे तो 5-10 रुपये डाल देना। अभी अपन जिस मंदिर पर आए हैं ये है गढ़काली का माता मंदिर, जो 3.5 काल का मैंने जिक्र करा था, जिसमें पहले काल के बराबर महाकाल होता है, दूसरे काल के बराबर गढ़काली का माता होता है। दूसरे काल का उत्तरदायित्व निभाती है माता, महाकवि कालिदास जी की इष्ट देवी कहलाती है, लिखा हुआ वहाँ पर। वो करीब 1800 के समथिंग इसको बनाया था ईस्वी में, महाराजा हर्षवर्धन के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करा गया था। ऐसा कहते हैं कि माता ने एक असुर को अपनी जिप से अपने मुंह में खींच लिया था, उसका वध कर रहा था, तब जाके इनको दूसरा काल का उत्तरदायित्व मिला था। तो 3.5 काल में दूसरे काल का अर्थ ये है। और आप यहाँ पर आओगे ना, अगर सुबह से शाम तक आप देखो तो माता 3 बार अपना रूप चेंज करती है, सुबह, दोपहर, शाम, तीनों बार अलग रहेगा, कभी स्माइली फेस रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई वो उसके ऊपर मुकुटे के ऊपर श्रृंगार करके उसको करते हैं। श्रृंगार साल भर में, महीने भर में एक बार होता है, महीने भर, 6 महीने में स्माइल अपने आप चेंज होती है। या तो कभी आपको बहुत ज़्यादा सैड दिखेगा, बहुत ज़्यादा आक्रोश में, या फिर बहुत ज़्यादा स्माइली रूप। अब कल यहाँ पर एक आरती के दौरान माता जी आई थी, 2 लेडीज़ें थी, एक तो बढ़िया नृत्य कर रही थी। उस दौरान अगर आप माता का चेहरा देखते, इतना क्रोध से भरा था कि आप आँखें नहीं मिला सकते हो। कल की बात है, मैं इसलिए स्पेशल, हाँ, अभी स्माइली लुक था। तो हर यहाँ की हर प्रतिमा दिन भर में 3 बार रूप बदलती है, और काफ़ी अच्छा मंदिर है। बस काल भैरव महाराज जी उज्जैन से, सो गाइस अभी हम आ चुके हैं काल भैरव मंदिर, तो यहाँ पे हम लोग प्रसादी चढ़ाएंगे अभी। उसके बाद आगे कहाँ जाना है वो आगे वो आपको वीडियो में बताएंगे। जय काल भैरव महाराज की। तो गाइस आज का दिन पूरा दिन हमने उज्जैन में बिताया। उज्जैन में हमने महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए और साथ में कई सारे मंदिरों में हम दर्शन करके आए। अंत में हमने काल भैरव महाराज के दर्शन किए, और सारे ही जो हमने दर्शन किए बहुत ही प्यारे तरीके से हमें करण माली भैया जो हमें, हाँ, ऑटो वाले भैया, बड़े प्यारे भैया, बहुत स्वीट भैया, सभी मंदिरों के बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने बताया, हर चीज़ के बारे में इन्होंने एकदम डिटेल बताया। तो अगर आप कभी उज्जैन आते हो तो भाई से मिलना, भाई से मिलना, बहुत अच्छा काम करते हैं, आपका दिन बना देंगे।
एक एक मंदिर के बारे में इतनी अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कि आप एक बार नहीं बार बार आओगे और हर बार करण माली भाई के पास ही आओगे। जब इंदौर जब भी आओ तो इनसे जरूर मिलना, अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ और एक एक जगह एकदम अच्छे से बताएंगे। इनसे बढ़िया हमें कोई नहीं मिला अभी तक और बहुत ही इन्होंने एकदम अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच भैया, धन्यवाद आपको भी इतना पॉपुलर कैरेक्टर देने के लिए। चलिए हमारा हो जाएगा।